ऑन होने के साथ में ही आप देख सकते हैं बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 5 इंच का TFT स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारा स्विच वगैरह देखने को मिल जाता है दोनों ही साइड पे, जिससे कि आप स्क्रीन पे दिए गए फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चार्जर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर में ही है, सिर्फ आपको ये केबल देखने को मिलता है। इस केबल को आप किसी भी पोर्ट में लगा के आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ग्रैब व्हील है, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन देखने को मिल जाता है और एक रबड़ी फिनिश दिया गया है, जिससे कि इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा बना रहता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैं रेयर व्हील आपको दिखा देना चाहूँगा। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये जो रेयर व्हील है, इसका रिम का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है, तो आप भी देख सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो वारंटी है वो 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर तक आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से EV10 यूट्यूब चैनल पे। और आज था बजाज चेतक प्रीमियम 2024 और बजाज चेतक अर्बन 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑफिशियल कोलकाता लॉन्च इवेंट, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे सामने आप बजाज चेतक का न्यूली लॉन्च प्रीमियम 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या प्राइस देखने को मिलता है, स्पीड क्या है, रेंज क्या है, ओवरऑल पूरा डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बजाज चेतक प्रीमियम 2024 ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट से ओवरऑल बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ऊपर आपको देख के लगता है कि कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किया गया है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ माइनर चेंजेस किया गया है जो कि इसको और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या चेंजेस किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे बढ़िया जो चेंजेस देखने को मिलता है हमें वो है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है बहुत सारे जगह पे। आप देख सकते हैं ये जो पहले सिल्वर कलर में था, ये सब कुछ चेंज करके ब्लैक कर दिया गया है, जो कि दूर से देखने में मोर प्रीमियम मोर एग्रेसिव लगता है। तो ये था ओवरऑल इसका फ्रंट लुक। और अभी भी बजाज चेतक के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो है फुल्ली मेटल बॉडी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अभी फुल्ली मेटल बॉडी के साथ में आता है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये जो डिज़ाइन है वो इसके क्लासिकनेस को बरकरार रखता है और दूर से ओवरऑल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है बजाज चेतक। ठीक इसके नीचे हमें देखने को मिलता है चेतक का ब्रांडिंग, आप देख सकते हैं इसका मॉडल नेम चेतक और ब्रांड नेम जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम लाइट्स पोजीशन की बात करें तो चलिए आपको लाइट्स ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसके लाइट्स को ऑन कर दिया है, यहाँ पर आपको टोटली DRL लाइट्स देखने को मिल जाता है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो है टोटली LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका जो हेडलाइट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें लोअर और अपर लोअर जो सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर चलिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंडिकेटर, टोटली LED इंडिकेटर सेटअप और LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। आपको बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट व्हील दिखा देना चाहूँगा। फ्रंट व्हील को आप देख सकते हैं यहाँ पे 90x90 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है, साथ में आपको फ्रंट व्हील पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और लीडिंग लिंक सस्पेंशन के साथ में बजाज चेतक प्रीमियम 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। इसका जो फ्रंट रिम का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स के साथ में है। और मुझे पर्सनली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो रिम का डिज़ाइन है वो काफ़ी पसंद आता है दोस्तों। मैं आपको रेयर व्हील भी दिखा देना चाहूँगा। रेयर व्हील आप देख सकते हैं यह है रेयर व्हील बजाज चेतक प्रीमियम 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर का। यहाँ पे भी आपको जो है 90x90 12 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाता है और टायर के साथ में ही आपको इसका जो मोटर है वो अटैच किया हुआ है। तो गाइस मैंने आपको फ्रंट से तो बजाज चेतक प्रीमियम दिखा है, अगर हम बैक की बात करें तो बैक से बजाज चेतक प्रीमियम कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो बैक लाइट है वो टोटली LED में देखने को मिलता है और इसका जो बैक पैनल है वो भी हमें मेटल बॉडी के साथ में देखने को मिल जाता है। आप बजाज चेतक को इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मान सकते हैं और बैक का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सारे इसका बैकग्राउंड है वो सारे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि बजाज चेतक प्रीमियम को पहले से ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है और इसका डिज़ाइन हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिज़ाइन को अपग्रेड किया गया है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रेंज और स्पीड को भी पहले से ज़्यादा अपग्रेड किया जा चुका है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर आप देख सकते हैं, यह इसका साइड माउंटेड मोटर सिस्टम, जिससे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 73 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के रेंज की, तो बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 127 किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाता है। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो फीचर्स वगैरह है
वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अगर हम स्क्रीन वगैरह की बात करें तो चलिए मैं इसका स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो गाइस चलिए आपको बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे दिया गया स्विच को एक बार प्रेस करने से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के साथ में ही आप देख सकते हैं बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 5 इंच का TFT स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारा स्विच वगैरह देखने को मिल जाता है दोनों ही साइड पर, जिससे कि आप स्क्रीन पर दिए गए फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है जो कि है नोटिफिकेशन, इसी के साथ में आपको नेविगेशन का फीचर्स देखने को मिल जाता है, आपको मोबाइल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक एक्सेस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप यहां से दिए गए इस बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसे प्रेस करके आप डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सेटिंग्स वगैरह यहाँ का चेक कर सकते हैं और इसी के साथ में आप व्हीकल इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको बैक करना है तो बैक करने के लिए एक स्विच दिया गया है जिसको सिंगल प्रेस करने से ये बैक करके जो फ्रंट स्क्रीन है वहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिए गए नेविगेशन और म्यूज़िक और फ़ोन कॉल वगैरह को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिल जाता है जिससे कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये दिखा रहा है कि स्कूटर को मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। जब कोई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करेगा तब ये मोबाइल के साथ में कनेक्ट होकर आप नेविगेशन और इसके जो ब्लूटूथ वाला फीचर्स है मतलब म्यूज़िक वगैरह में एक्सेस कर पाएंगे। और फिर इसे बैक करने के लिए बैक का स्विच दिया गया, इसको प्रेस करने से ये फ्रंट स्क्रीन पर आ जाता है। फ्रंट स्क्रीन पे आपको जो देखने को मिलता है, अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल का यहाँ पे लाइट जल रहा है और स्क्रीन पे भी आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा इसका जितना भी स्पीड होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे हमें जो है रिवर्स मोड का स्विच भी देखने को मिल जाता है, इसको प्रेस करने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर्स में जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पे ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज वगैरह देखने को मिल जाता है। टाइम और डेट के लिए यहाँ पे एक जगह दिया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम डेट वगैरह देखने को मिल जाता है। रेंज कितना जाएगा वो देखने को मिल जाता है और बैटरी का जो SOC है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों तो ये तो हो गया इसका स्क्रीन का फीचर्स वगैरह। अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्विचिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट इंडिकेटर का स्विच, अपर डिपर का स्विच, इसके लाइट्स को कम और बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन का लाइट कम और ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है तो आप इसका हॉर्न भी सुन सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे रिवर्स मोड का स्विच, राइट इंडिकेटर का स्विच, सिलेक्ट करने का स्विच, अगर आप किसी भी मोड पे गए हैं तो उसे सिलेक्ट करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको व्हीकल इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर बैक करना है तो इस स्विच के थ्रू बैक वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो देखने को मिलता है इससे आपका बूट स्पेस वगैरह ओपन हो जाता है। इसको अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं तो इसका जो फ्रंट डब्बा है वो ओपन हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है जहाँ पे इसका चार्जिंग केबल वगैरह फिट हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में आपको जो चार्जर देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर में ही फिट किया गया है, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में चार्जर वगैरह लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑन बोर्ड चार्जर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसका केबल आ जाता है, इस केबल को यहाँ पे आ जाता है। इसी के साथ में आप अपने मोबाइल को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग करने के लिए जो USB पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पे अपने मोबाइल वगैरह को रख सकते हैं। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फास्ट एड बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, इसके अंदर फास्ट एड किट वगैरह है और अगर आपको इसे बंद करना है तो सिंपली आप इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं। मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का बूट स्पेस भी दिखा देना चाहूँगा। दोस्तों बूट स्पेस को ओपन करने के लिए इस बटन को आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा तो इसका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये जो बूट स्पेस है यहाँ पे आपको 20 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस एक्चुअल में ठीक ठाक है, हेलमेट तो नहीं आएगा लेकिन ठीक ठाक है। और ये है इसका चार्जिंग केबल, चार्जर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर में ही है, सिर्फ आपको ये केबल देखने को मिलता है। इस केबल को आप किसी भी पोर्ट में लगा के आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बूट लाइट भी देखने को मिल जाता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को इजीली चार्ज कर पाओगे। दोस्तों बूट स्पेस तो मैंने आपको दिखाया, इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सीट में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो कि पहले सिंगल कलर में आपको इसका सीट देखने को मिल जाता था और अभी बजाज चेतक प्रीमियम 2024 मॉडल में आपको डुअल कलर में सीट देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है और एक क्लासिक फीलिंग तो देता ही। दोस्तों इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ग्रैब व्हील है यहाँ पे भी आपको डुअल टोन देखने को मिल जाता है और एक रबड़ी फिनिश दिया गया है जिससे कि इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा बना रहता है।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैं रेयर व्हील आपको दिखा देना चाहूँगा। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये जो रेयर व्हील है, इसका रिम का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है, तो आप भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वारंटी और प्राइस डिटेल्स बता देता हूं। तो अगर आप बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वारंटी कितना मिलता है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी पैक में और ओवरऑल स्कूटर में आपको 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम प्राइस जानने की कोशिश करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल जो प्राइस आता है वो आपको 1,50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। इसका ऑन रोड प्राइस 1,50,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाए। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो वारंटी है उसको आप जो है अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपको 3 साल की वारंटी तो मिलता है लेकिन आप इसको अपग्रेड करके 5 साल तक कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा प्राइस पे करना पड़ेगा, उससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो वारंटी है वो 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर तक आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था बजाज चेतक प्रीमियम 2024 इलेक्ट्रिक स्कूटर का ओवरऑल पूरा डिटेल्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जानना है तो EV स्टैंड को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।